नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में दिए जलाए जाते हैं वहां कभी भी दरिद्रता रूपी अंधकार नहीं रहता और सुख समृद्धि अपना बसेरा बना लेती है। उस घर के लोग सदा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। शुभ शक्तियों को जलता दिया चुंबक की भांति अपनी तरफ खींचता है, यानी कि दोस्तों दिया जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती है। पुराने समय में तो केवल दोस्तों मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, लेकिन अभी विभिन्न धातुओं से निर्मित दिए जलाए जाते हैं। इन दियों के सिलेक्शन में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि कभी भी स्टील या लोहे के दीपक किसी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप मिट्टी के, चांदी के, पीतल या कांसे के आप दिए जो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टील और लोहे के दियों को यूज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अब हम जानेंगे दोस्तों दीपक को जलाने के उद्देश्यों के बारे में। दीपक जलाने का उद्देश्य क्या है, क्यों जलाते हैं हम दीपक? दीपक जलाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है दोस्तों। जब घर में शुद्ध घी अथवा सरसों के तेल से ज्योत जलाई जाती है तो उस धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश हो जाता है, यानी घर की सारी नेगेटिव एनर्जी वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि दीपक का प्रकाश, दीपक जो है वो प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का, और परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले इसीलिए दीपक प्रज्वलन करने की परंपरा है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी पूजा हो, कोई भी समारोह हो, उसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन से ही होता है। समस्त शुभ कार्यों का प्रारंभ जो है वो दीप प्रज्वलन से ही किया जाता है, क्योंकि दीप प्रज्वलन से कार्य में शुभता आती है, वातावरण में सात्विकता आती है। तीसरा एक प्रमुख कारण और भी है दोस्तों, वो ये कि जब हम पूजा करते हैं तो पंच तत्वों में पृथ्वी, आकाश, जल और वायु तो वहाँ विद्यमान रहते हैं, मगर अग्नि तत्व मौजूद नहीं रहता। अतः दीपक जलाने से पांचों पंच तत्व हमारी पूजा के साक्षी बन जाते हैं और जिससे पूजा का फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि हमें दीपक जो वो तेल का जलाना चाहिए, घी का, या इनका क्या इफेक्ट होता है। तेल से जब हम दीपक जलाते हैं तो दोस्तों उसका प्रभाव जो दीपक के बड़े होने में, दीपक जब बुझ जाता है उसके आधे घंटे तक ही वातावरण में रहता है, लेकिन जब हम घी का और ख़ास तौर पर जब गाय का शुद्ध घी का दीपक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उस दीपक का इफेक्ट, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वातावरण में दीपक के बड़े होने के भी 4 घंटे तक रहती है। यानी दोस्तों अगर हम घर में घी का दीपक जलाते हैं तो कितना अधिक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे घर में बनता है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कोई भी पूजा, कोई भी बड़ी पूजा होती है, कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें दीपक प्रज्वलन को बहुत अधिक और ख़ास तौर पर अखंड दीपक को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे अगर लक्ष्मी पूजा करते हैं हम दिवाली में, नवरात्रि में, सभी में आपने देखा होगा कि अखंड दीपक को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसका कारण ये होता है कि घर का जो वातावरण है उस दीपक की लौ से सात्विक हो जाए, हमारे विचार जो है वो सात्विक हो जाए और हमारा ध्यान भगवान में लग सके, इसीलिए अखंड दीपक जलाया जाता है। दीपक को जलाने के साथ में हमें दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक की लौ किस दिशा में जा रही है। जब दीपक की लौ पूर्व दिशा में जाती है दोस्तों तो वह दीर्घ जीवन प्रदान करती है, उस घर के लोगों का जीवन जो है दीर्घ होता है। और साथ ही जब दीपक की लो हम जब जलाते हैं उसको इस तरह से रखते हैं कि उसकी लो जो है वो उत्तर दिशा में रहे, तो इस दिशा में दीपक रखने से घर में धन और संपन्नता और प्रसन्नता बढ़ती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि दीपक की लो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, अन्यथा ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगी।
दोस्तों, वैदिक काल से ही दीपक को जलाने के बाद दीपक की वंदना मंत्र बोलने का वृतांत आता है। इसीलिए जब हम दीपक जलाएं उसके बाद हमें दीप वंदन मंत्र या दीप मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ ये है कि दीपक को प्रज्वलित करके हम सारे वातावरण को शुभ और कल्याणकारी करें। इस दीपक की ज्योति से सारे शत्रु भाव नष्ट हो जाएं। इस पावन दीप को हमारा शत शत नमन। दीपक की ज्योति ही परम ब्रह्म है और दीपक की ज्योति ही जनार्दन। दीपक हमारे सारे पापों को हर लेता है, अतः इस दीपक को मेरा नमन। जिस प्रकार दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। दीपक मन में छुपे ईर्ष्या और घृणा के अंधकार को दूर कर प्रेम और विश्वास की अलग जगाता है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय ये मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। निश्चित ही इससे आपका कल्याण होगा, आपके घर में सात्विकता और संपन्नता का वास होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस मंत्र का ज्ञान उन सबको भी हो सके और उनके घर में भी सात्विकता और संपन्नता का वास हो। धन्यवाद।